ભાઈ અને અંદર જ ખાવાનો ને બધું રહેવાનું બનનાર દિવસ મજા આવે. કેસા કમાના મોટન રોડ परफेक्ट लोकेशन. चलिए जल्दी भाई साहब, हम लोग हाईवे पे जा रहे हैं और सामने देखिए बोट एक रोड पे जा रही है, नई बन करके फ्रेश इंडस्ट्रीज पे यहाँ से बन करके, और ये देखिए वहाँ पे जा रही है, रास्ता ब्लॉक है और इधर बहुत सारी बोटें बन रही हैं सर. ये भी एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज है. हाँ, 50 लाख की एक बोट बनती है. हाँ, कल मेरे को किसी ने बताया था 50 लाख की एक बोट है. बोट ऑन बोट ऑन दो. अरे वाह यार, ये तो अजीब है यार. ये कहाँ तक लाएंगे? मांगरोल? नहीं, अभी रास्ते में चेंज हो जाएगा. ओ, दूसरी फैक्ट्री में ले जाएंगे? नहीं, समुद्र में उतरेगा. अच्छा, सभी ने देखा होगा कि बोट समुद्र में होती है, हम रोड पे देखते हैं अपने इसका. भाई साहब, बोट ऑन रोड, सड़क पे बोट जा रही है, पब्लिक चलती है, बोट भी साथ साथ चलते हैं. क्या ले जाओ दादा? ये बाजू में लिया, बिजी फैक्ट्री में. ठीक है, ओके. प्रोसेस करने के लिए बराबर बना रहे हो, दूसरी फैक्ट्री में ले जा रहे हैं. है ना, हम टाइम पे आए एकदम. है बिल्कुल बिल्कुल. तो वीडियो मार जाओ YouTube. ना ना, वांदो नहीं यार, आपने क्या गलत करी है. तो जोवाना मजा लिए, हमें भी नसीब. आगे से ले ले थोड़ा आगे चले. चलो सुन, हम भाई तुम्हारा आरुख भाई. आरुख भाई मजा आएगी तुम्हारे. आगे कैसे जाएंगे? आगे हो जाएगा तो भले क्या लगता है. बोट हमारे ऊपर है भाई. अभी अपने खड़े रहते कहीं साइड में दबा के. बोट आ रही है भाई साहब रोड पे. भाई भाई भाई, 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 भाई. साइड में साइड में साइड में खड़ी जैसे दो बंसी का जा रहा. हाँ, भाई साहब इतनी बड़ी बोट सड़क पे जा रही है. मजा आ गया यार देखने के लिए, सही टाइम पे यहाँ पे पहुंचे. इसलिए अजी तो बनावानी बाकी है, हमारा काम बाकी है. हाँ, ऊपर थी पेलो जो ना, काम बाकी जाए. तो भाई साहब चलते हैं अब आगे. चलो मजा आ गया यार, अभी चलते हैं अपने. चलो आगे, बढ़िया एक्सपीरियंस हो गया. 50 लाख की यूनिट है एक. इधर जाएगा लगता है ये. इसका हल यहाँ पे है. आफरीन. और बोट बनने से पहले भी तिरंगा इस पे बना दिया गया. गजब. चलते हैं, गांव की यात्रा जारी रखते हैं धीरे धीरे मांगरोल की तरफ. और अभी हम गए थे बारा, एक छोटा सा गांव था. वीडियो अगर नहीं देखा तो पहले जाके देख सकते हैं. और अभी हमने देखा कि एक बड़ी सी बोट सड़क पे जा रही है. ये फैक्ट्री है मच्छी की, मच्छी की प्रोसेसिंग की. ओके, मांगरोल में बड़ा बिजनेस यही है ज्यादा. फिश का है और कोकोनट का है दो. और ये होड़ी बनने का सबसे बड़ा. हां, मतलब शिप बनाते हैं. शिप बनाते हैं. और ये नेपाली लोग होते हैं जो आते हैं वहाँ से. अच्छा, काम करने के लिए. हाँ, नेपाली आसामी. नेपाली लोग यहाँ इंडस्ट्रीज में काम करते हैं. हाँ, ज्यादातर देरी है यहाँ बन रही है. यहाँ पे भी बोट बन रही है. देखिए एम सागर. चलिए आगे, और बहुत कुछ देखने को मिलेगा आज तो. साजिद भाई की जय हो. जाबिर भाई की यहाँ पे भी सब जगह बोट ही बोट है यार. सोचा नहीं था कि देख पाएंगे यार, ऐसा सोचा था हम तो चले जाएंगे रोड रोड. ये पहले देखिए ढांचा बनाते हैं ना. फाइबर की भी होती है, लकड़ी की भी. ओके, फाइबर की थोड़ी हल्की होती है. थोड़ी हल्की होती है बोट में. मजा मजबूत भी होती है. मजबूत भी होती कैपेसिटी होगी ना, इसमें इतनी कैपेसिटी की है. नहीं, हाँ बड़ी वाली बनती है, छोटी वाली बनती है, साइज में बनती है. साइज में बनती है.
तो बोट ही बोट है और कोई नहीं, बोट ही बोट। ये नारियल देखिए, नारियल। हाँ नारियल तो बहुत देख रही है, ये बोट ले जाने की लॉरी है। यहाँ पे भी बोट है, बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है यार। वो कल हम दीव गए ना, वहाँ पे पूछा था तो वो बोले वेरावल, वेरावल से ज्यादा मांगरोल, मांगरोल हाँ, वेरावल से ज्यादा यहाँ ही बनती है क्या? और अभी भी कम है, वरना तो सीजन होती है ना तो फुल हो जाती है, फुल हो जाती है। राइट है, ऑफिसर होगा? हाँ सरकारी ऑफिस होगा। चला था कोई ऐसा? हाँ ये ना, ये एक बड़ा सा लाइट हाउस है दोस्तों, और वो सामने है एक एयर प्रेशर, यानी कि हवा कितनी तेज चल रही वो सब दिखाता है, इसलिए वो लगा हुआ रडार जैसा कुछ है। और यहाँ पे सब लोग मच्छी मार रहे थे, मच्छी मार बोला तो मच्छी पकड़ने वाले, फिशिंग वाले। ये वो दीव में थे वही लगा, वही वही समाज वो उधर, मतलब दीव का जो बोट सॉरी जेटी साइड एरिया था ना, हाँ हाँ उस तरफ सब वही लोग थे। हाँ नहीं इनका समाज एक होता है वही। जो समझदार होते ना हम मानते नहीं है एक दूसरे, फिर भी इतनी समझ रहे वो अलग। अब बंदर शुरू हो गया भाई, अब मांगरोल बंदर, बंदर कहता है। अब हम पहुंच गए मांगरोल बंदर पे, और बंदर की ये लाइन शुरू हो गई है, और जाबिर भाई हमको ले जाएंगे बंदर पे। ओहो बहुत ज्यादा बोट है भाई। ओ माय गॉड, यहाँ तो लाखों बोट है यार। हम दोनों अचंभित है यार, लाखों की संख्या में बोट है, लाखों बोट है। माल आया होगा ना, वहाँ दिखा दूँगा माल, माल ये माल ही माल है यार, इतना सब माल है। वो लोग इधर कैसे आते, उधर वाले वो इसी रोड से नहीं, उधर एक वो रास्ता है जेटी जैसा बना होगा, तो इसमें माल आया हुआ है वो निकाले थे ना। माल निकाले भाई, लाखों की संख्या में बोट है यहाँ पे, तो यार सोचा ही नहीं था कि इतनी बोट होगी। जाबिर भाई वो लोग वहाँ से इधर कैसे आते हैं? अलग लग रही है कि वहाँ से ये बोट, बोट ये चल रही है कि वो चल रही है? नहीं नहीं वो लग रही है। ओ माय गॉड, ये तो भाई 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 क्या क्या रिएक्शन, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल भाई साहब। कभी सोचा नहीं था ऐसा, हम दीव के जेटी पे गए थे लेकिन वहाँ तो बस एक एक बोट ही मुश्किल से थी, और यहाँ तो मुझे लगता नहीं है कितनी आगे तक है, समझ ही नहीं आ रहा है। मैं उसको वो यहाँ पे होगा ना, उसकी बोट होगी ना भेज चली। अजीब यार, गजब भाई साहब। हम फिर से मांगरोल के पोर्ट में एक बोट में जा रहे हैं, और ये कल वाली से बड़ी बोट है जाबिर भाई। हाँ ये जो हम लोग गए थे दीव में वहाँ उससे बड़ी बोट है। इसका नाम क्या? भोला। भोला इधर खड़ी रखने का चार्ज देना पड़ता है जेटी वाले को? जेटी वाले को नहीं देना पड़ता, परमिट वगैरह होती है। अच्छा, और टैक्स जैसे अपने रोड पे जैसे टैक्स होता है, स्टोरेज होता है। ये बड़ा स्टोरेज है, वो पहले वाले आपने देखा होगा। इसका इंजन चालू ही है? मजा आवे
पैसा कमाना तो सब कुछ करना पड़ता है। पहली बार जो वहाँ से सेंटर में चलते हैं वो भी जाएंगे यहाँ से लखनऊ। अच्छा यूँ यूँ तो चलो एक रूट को भी हम अभी एक और बोट में जाते हैं। बता दे आपको बता दे वापिस आते हो अभी भाई साहब हम बोटों के अंदर अंदर होके जा रहे हैं। सो भाई मजा वाह नाम सागर सागर सर कोना अरे वाह यार सागर ही सागर सागर के अंदर सागर भाई खाना बना रहे मेरे को खिलाएगा नहीं बात कर रहा है भाई बोलने। ओ माय गॉड ये तो क्या समुंदर के अंदर समुंदर है इतनी सारी बोट यार जावर भाई कितनी बोट होगी टोटल अंदाज एक अंदाजा लगाया जाए तो। नहीं अभी तो ये शुरुआत अभी ये भी बढ़ जाएगा पूरा नहीं आपने अभी रात में और भी आएगी बोट नहीं ये तो जाने वाली होगी कुछ हजार बोट तो होंगी 5000 हजार की कैपेसिटी तो। ओ माय गॉड मतलब हजार की कैपेसिटी तो यहाँ पर समुंदर तो कैपेसिटी अनलिमिटेड है और देखिए कितने सारे फ्लैग है ना देखिए हर बोट पे अपना देश का झंडा जरूर मिलेगा वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है यार हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ नहीं है हर बोट पे फ्लैग है और हर बोट पेंट भी ऐसी की गई है कि आपको तिरंगा दिख ही जाएगा इसकी पहचान ही है। ये एक वो बोलते हैं मेले के अंदर हम खड़े हैं बोट का मेला है 50 लाख की एक बोट है और हजारों बोट यहाँ पे है बोट के अंदर ही खाना बनता है ये देखिए खाना भी बन रहा है अरे क्या टेंशन लेता है मेरे भाई गुजराती है तो कोई बात नहीं तो भाई इधर बैठते हैं थोड़ी देर तक बैठते हैं फोटो वोटो लेते हैं फिर आपसे मिलते हैं। ये मांगरोल पोर्ट है कभी सोचा नहीं था कि मैं मांगरोल पोर्ट के अंदर जा पाऊंगा ये जाबिर भाई की मेहरबानी है यार रस्ते में मिले सब्सक्राइबर है भाई साहब अभी वापिस उस तरफ जाते हैं पोर्ट की वो जेटी है उस पर और ये 1 2 3 बोट क्रॉस करके जाना है अगर मिस्टेक से गिर गए तो आप नीचे देख लीजिए पानी में जाएंगे सीधा बट ऐसा नहीं होगा हम लोग ऐसा नहीं कर सकते यार। कहाँ गए सागर मौजमा हमारा सागर एक जनों जाता बोलो भाई भाई के ही नहीं मैंने अपॉइंटमेंट तो समय थैंक यू भैया भाई साहब ये एक अलग दुनिया है और इतनी विशाल का इंडस्ट्रीज है समुंदर से जुड़ी हुई लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। चलते हैं आगे अभी कहाँ जाएंगे जाबिर भाई आगे छोटी वाली पोर्ट जो लोकल होती है वो डे बाय डे चलें हाँ आओ पर पोर्ट देखते जाइए कितना बड़ा पोर्ट गोडाउन है नहीं जाली बनता है ये इस नहीं पत्रे के नीचे हाँ वो गोडाउन मच्छिया गोडाउन स्टोरेज जैसा ओह माय गॉड इधर भी मेला है छोटी बोट का वहाँ जाना है बच्चे भाई जो वो लास्ट है ना अच्छा वो क्या है वहाँ पे टॉप ऑफ व्यू मतलब अच्छा देखने के लिए खाली पॉइंट है वाओ अद्भुत यार ये इनक्रेडिबल है यार ऐसा मैंने सोचा नहीं था ये सब देख पाएंगे यार मतलब ये जरूरी भी यार इसका ज्ञान होना जरूरी है भी Thank you.
एकदम आया। ये सब घर है क्या ये लोग? हाँ वो रात में रहते हैं वो क्या। अच्छा बोट वाले? बोट वाले, बोट आ जाएगी उनकी वो रात को यहाँ बैठे सोए। कंपार्टमेंट बना बिल्ली भी आई है। फुल प्लेस सेवा इधर। ये रिपेयर कर रहे लगता है। और ये बड़े बड़े ब्लॉक है सीमेंट के भाई साहब। वहाँ पे देखे वो एक जेटी है, इधर से ही रास्ता है उसके अंदर जाने का। आने जाने के लिए यही बोट है। हाँ बहुत ज़्यादा बोट है यार यहाँ पे तो, मतलब हजारों की संख्या में बोट है। वहाँ पे वो टावर है, लाइट हाउस है मांगरोल का, और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक दीवार बनी है, और साथ में ये सीमेंट के ब्लॉक भी है। यहाँ लगता है पबजी जैसा कुछ खेल रहे हैं लड़के। ये भी टावर हाउस है, लाइट हाउस है। क्या बोट आ रही है वो भी देखने के लिए। भाई साहब मांगरोल के एक पॉइंट पे आ चुके हैं, व्यू पॉइंट पे, सनसेट पॉइंट भी। यहाँ से सनसेट भी होगा इधर से। और इसके ब्लॉक तो देखे यार, इतने बड़े विशाल का, कम से कम 10-15 टन तो वजन होगा इसका यार। और अभी एक बोट आ रही है देखिए, वो वाली पोर्ट पे लैंडिंग करने वाली है, और ये सामने पोर्ट है उधर मांगरोल का। जाबिर भाई ये वाली बोट अभी आ गई है मछली पकड़, मछली पकड़ के आ गई है अभी, वो लगेगी वहाँ पे। कितने दिन से आई है ये? कम से कम कोई बोट 8 दिन में आती है, कभी 10 दिन में आती है, जैसा राशन पेट्रोल वो सब रहता है, डीजल उसी हिसाब से चल रही है यार। हिलो रहे मारती हुई जबरदस्त, देखिए अभी तो दिखाते हैं ये। अभी धीरे धीरे वो जो जेटी है मतलब पोर्ट है उसमें जाके, ये जितने भी फ्लैग दिख रहे हैं आपको वहाँ पे सब वो बोट खड़ी है अभी जो दिखाया, तो ये भी जाएगी वहाँ पे। और क्या जबरदस्त हिलोरे मार रही यार वो। एक बार तो चल रही है और एक बार रुक रही है, ऐसा हो रहा है ना स्पीड। देखिए ये इस बार यहाँ से झुकी। ओ माय गॉड, वो खाना भी बना रहे हो भाई? मैं खाना बना रहे। देखिए भाई साहब देखिए, नेक्स्ट लेवल भाई। इसकी स्पीड कम से कम 15 की होगी, 10-15 स्पीड है, 10-15 नॉटिकल मील। तो बहुत बढ़िया यार, मजा आ गया। ये खाना बना रहा है देखिए, वहाँ पे खाना बना रहा है। इन लोगों का घर आ गया वापस, वैसे तो इनका घर समुंदर ही है। चलो जबीर भाई सनसेट पॉइंट देखना इधर से। नहीं नहीं चलो यार, देर हो जाए। अभी देख लीजिए भाई, यहीं से देख लीजिए, हम लोग रुकने वाले नहीं है। सनसेट यहाँ से हो रहा है और थोड़ी देर में सनसेट हो जाएगा, और हम चलते हैं इस तरफ वापस आगे की डेस्टिनेशन के लिए। और ये वाला ब्लॉग कैसा लगा, पहले सबसे पहले आप सब और मैं जाबिर भाई का थैंक यू अदा करते हैं कि इन्होंने सब्सक्राइबर होने के नाते मुझे रास्ते में मिले और ये सब दिखाया। इतना सारा आपको पहले 12-20 दिखाया, फिर बोट कैसे बनाते वो दिखाया, बीच में एक बोट रास्ते पे, हाँ, और अभी यहाँ पे मांगरोल का सबसे बड़ा पोर्ट है, गुजरात का भी काफ़ी बड़ा पोर्ट है ये, मतलब गांधीधाम कंडला का जो पोर्ट है, मतलब फिशिंग में ये नंबर वन होगा। हाँ नंबर वन, उसके बाद ओखा वेरावल, ये ओखा ये सब। और सामने अभी एक नया वो जेटी बन रहा है, वो काफ़ी बड़े बड़े जो स्टीमर आते हैं उनके लिए, जो राष्ट्रपति यहाँ आकर के उद्घाटन करके गए थे। अब बंसी भाई आपको वेस्ट के बॉर्डर तक तो लाए, इसके आगे कोई गांव नहीं है, यहाँ तक तो आ गए। अब चारों कोने दिखाएंगे आपको, तीन कोने देखने बाकी है, तो आप बस उनको सपोर्ट करते रहिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलो थैंक यू, मिलते हैं आगे।